आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोले रिफ्लेक्शन फ्रॉम 111 प्लेन ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, कौन से एंगल पे ऑब्जर्व किया गया? 11.2 डिग्री, ठीक है, जिसकी एक्सरे यूज किया उसकी वैल्यू कितनी है? 154, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ यूनिट सेल क्या होगी, ठीक है। तो देखो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम ब्रेक्स लो यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ब्रेक्स लो यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, डी निकालूंगा, डी क्या है, दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। बात करते हैं क्या, डी से मैं क्या आ जाऊँगा, ए निकालूंगा। ए कैसे निकालूंगा, डी इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, ए डिवाइड बाई क्या होता है, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर एंड एल स्क्वेयर, ठीक है। तो देखो एच के एंड एल क्या होता है, मिलर इंडिसीज होते हैं, ठीक है, मिलर इंडिसीज होते हैं, जो कि हमें कितने गिवन है, जो कि इस फॉर्म में गिवन है 111। तो क्या होगा, एच के एल होता है और किस फॉर्म में, 111, ठीक है। तो एच की वैल्यू 1 हो गई, के की वैल्यू भी 1 हो गई एंड एल की वैल्यू भी 1 हो गई। अब बात करते हैं जो फॉर्मूला हमें गिवन है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये ओनली किसके लिए अप्लाई होता है, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, किसके लिए, क्यूबिक सेल के लिए, ठीक है, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या, एन हमें दिया नहीं है, तो एन को हम क्या लेके चलेंगे, 1, ठीक है, और लैम्डा हमें कितना गिवन है, 154 पिकोमीटर, ठीक है, एंड थीटा हमें कितना गिवन है, 11.2 डिग्री। तो मेरा एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 154 इंटू में 1 इज इक्वल टू 2d हमें निकालना है, साइन कितना आ जाएगा, 11.2 डिग्री, ठीक है, साइन 11.2 डिग्री वैल्यू हमें गिवन है 0.1944, ठीक है, कितना, 154 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो 2d इंटू में कितना आ जाएगा, 0.1944 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी 396 पिकोमीटर आ गई, ठीक है। अब d से किस पे जाना है, मेरे को a पे जाना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू क्या था, a, ठीक है, एच स्क्वेयर के स्क्वेयर एंड एल स्क्वेयर, ठीक है, जहाँ पे d तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स एंड a क्या, एज लेंथ, जो हमें क्या निकालनी है, ठीक है, तो एज लेंथ निकालनी है। तो क्या आएगा, देखो d कितना था, 396 था मेरे पास, a हमें निकालना है और एच के की एल की वैल्यू क्या थी, 1, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वेयर, एच के भी 1 है तो 1 का स्क्वेयर, एल भी 1 है तो 1 का स्क्वेयर, तो कितना आ जाएगा, 396 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 हो जाएगा इजिकल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, सोल्व करने पे मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी इजिकल टू 68.5 पिकोमीटर, मेरे पास क्या, a की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।